हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। इफ्रा खान ब्लॉग्स में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी है दाल फ्राई की, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त दाल फ्राई है। ये देखिए इसका कलर देख सकते हैं इसका। ये देखिए आपको ये दाल फ्राई देखते ही आपका मन करेगा कि बनाकर खाने का। और ये आप इसको नान से खा सकते हो, और तंदूरी रोटी से, या फिर रुमाली रोटी से तो और बढ़िया लगेगी। तो इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ना, बच्चों को बहुत पसंद आई थी ये रेसिपी दाल फ्राई। तो चलिए मैं आपको तो यहाँ पर देखिए मैंने किन किन चीज़ों से बनाई हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। और मेरे गले में तकलीफ़ रहने की वजह से आवाज़ बराबर नहीं आ रही, थोड़ा रुक रुक कर बोल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मूंग की दाल ली हूँ, पीली मूंग आती है ना वो दाल ली हूँ। उसको मैंने थोड़ी देर के लिए धोकर अच्छे से भिगने के लिए रखी थी, तो उसका पानी फेंक के मैंने कुकर में डाल कर ली हूँ। और मैंने साफ़ पानी डाल ली हूँ दाल गलाने के लिए, 2 गिलास मैंने पानी डाली हूँ। 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाली हूँ इसके अंदर, हरी मिर्ची, लहसुन के कलियाँ, और कोथमीर ली हूँ यानी कि हरा धनिया, अब एक साइड में रख लेंगे। मैं वापस से आपको दिखा देती हूँ, हरा धनिया है और लहसुन के कलियाँ हैं, हरी मिर्ची है। अब इसको डाल लेंगे कुकर में। हरे धनिया को मैंने वॉश करके रखी थी। 3 बड़े टमाटर ली हूँ, उसको कट करके रखी हूँ। बड़ा साइज़ का मैंने एक प्याज ली हूँ, और उसको भी मैंने कट करके डाली हूँ। थोड़े कड़ी पत्ते हैं वो भी डाली हूँ उसको मैं। अब चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। नमक हम बाद में यूज़ करेंगे, नमक पहले नहीं डालेंगे। तो देखिए मैंने गैस के ऊपर कुकर रख चुकी थी गलाने के लिए, 4 से 5 सीटी ली, अच्छे से मस्के की तरह गल गई है दाल। ढक्कन हटाकर मैंने देखी, और यहाँ पर देखिए अब थोड़ा हल्का हल्का दाल घुटने से मैंने घोट कर ली हूँ। दाल गर्म रहने की वजह से देखिए कैमरे के सामने थोड़ा धुआं होने की वजह से बराबर नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने घोट कर ली हूँ। और गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाली। और देखिए लहसुन के कलियों को मैंने बारीक चॉप करके ली हूँ, 10 से 15 लहसुन के कलियाँ ली थी। और 1 टीस्पून मैंने राई ली हूँ, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ली हूँ। अब इसको अच्छे से गोल्डन होने के लिए छोड़ेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सूखी लाल मिर्च होती है ना अक्खी वाली, वो भी डाल सकते, मैंने नहीं डाली। अच्छे से इसको गोल्डन होने तक ऐसी फ्राई होने देंगे। तो आप देख सकते हैं ज़ीरा और राई कितनी अच्छी तरीके से चटक रही थी। अब यहाँ पर लहसुन और ज़ीरा एकदम अच्छे से गोल्डन हो चुका है। तो देखिए मैंने दाल चम्मच से इसमें कढ़ाई में ही डायरेक्ट डाल दी हूँ। अब पूरा कुकर से हम इसमें डायरेक्ट डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हम जो हम तड़का लगाए हैं उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए क्या ज़बरदस्त कलर आया है। और देखिए तड़का लगाने के बाद तो कुछ और ही बात लग रही है इसमें दाल में, क्या ज़बरदस्त है। अभी और आगे भी तड़का लगेगा, आप आगे भी देखिएगा। और मेरे वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने हरा धनिया को वॉश करके बारीक कटिंग करके इसमें डाल दी हूँ। और मैंने ना एक छोटी कढ़ाई में क्या करी हूँ, तेल गरम करके नीचे रखी हूँ। तेल डायरेक्ट गैस पे गरम करने के बाद लाल मिर्ची डालेंगे ना तो आग ऊपर आने का डर होता है, तो बहुत ही संभाल कर करेंगे। इसके लिए मैंने तेल गरम करके नीचे ली, फिर कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून मैंने डाली हूँ गरम गरम तेल में। और उसको मैंने जो स्पून होता है उसके पीछे से जो लकड़ी होती है उससे मैंने थोड़ा घुमा ली हूँ। और ये देखिए दाल के ऊपर मैंने ज़बरदस्त तड़का लगाई हूँ लाल मिर्ची का। ये देख सकते क्या ज़बरदस्त कलर आया है। अब इसको हम थोड़ा मिक्स करके बता देती हूँ। ये देखिए
ये देखिए आप सबका दिल करेगा खाने का। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे फ़रा खान ब्लॉग्स पे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, और फैमिली फ्रेंड्स में ये ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।